हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ नई जॉब की जानकारी जो साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा निकाली गई है। इसमें लोको पायलट, क्लर्क और टिकट कलेक्टर जैसी वैकेंसी हैं, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी और इसका फॉर्म कैसे फिल करना इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो फॉर्म भरने की डेट जो है 24 मार्च 2020 से स्टार्ट हो रही है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 23 अप्रैल 2020 है। आप इससे पहले फॉर्म को जरूर फिल कर दें। फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें असिस्टेंट लोको पायलट ALP की पोस्ट है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर वर्कशॉप की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर सिग्नल की वैकेंसी है और जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम की वैकेंसी है। अगर असिस्टेंट लोको पायलट की बात करें तो इसका पे स्केल 5200 से 20200 के बीच में है, ग्रेड पे 1900 है लेवल 2 का 7th पे कमीशन के हिसाब से। इसमें वैकेंसीज की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 166 वैकेंसी है, SC के लिए 46 वैकेंसी है, ST के लिए 25 वैकेंसी है, OBC के लिए 87 वैकेंसी है, टोटल 324 वैकेंसी है। और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A1 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को 10वीं पास होना चाहिए, उसके साथ साथ कैंडिडेट के पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। और एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जो सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, उसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब बात करते हैं टिकट क्लर्क की। तो इसका पे स्केल 5200 से 20200 है। वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 63 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व के लिए 24 हैं, SC के लिए 9 हैं, ST के लिए 4 हैं, OBC के लिए 16 हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो B2 है, इसके लिए कैंडिडेट को जो है 12वीं पास होना चाहिए। अगर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो इसका पे स्केल 5200 से 20200 के बीच में है, टोटल इसमें 68 वैकेंसी हैं। और मेडिकल लेवल की बात करें तो C2 लेवल का मेडिकल होगा, इसके लिए कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ साथ टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि हिंदी और इंग्लिश में होगा कंप्यूटर पर। वहीं पर सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पे स्केल जो है 5200 से 20200 है और ग्रेड पे 2800 होगा। इसमें टिकट क्लर्क के लिए जो है 84 वैकेंसी है और मेडिकल स्टैंडर्ड B2 लेवल का होगा। वहीं पर टाइपिस्ट के लिए 70 वैकेंसी है, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड लेवल जो है C2 होगा। टिकट क्लर्क के लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए और क्लर्क सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट पास होना चाहिए, उसके साथ साथ जो है टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, वो भी कंप्यूटर पे। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर PWD वर्कशॉप सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन की। तो इनका पे स्केल 9300 से 34800 है, ग्रेड पे 4200 है और जूनियर इंजीनियर के लिए टोटल वैकेंसीज जो हैं और जूनियर इंजीनियर के लिए टोटल 8 वैकेंसी हैं। इसमें वर्कशॉप और PWA के लिए कैंडिडेट को सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पास होना चाहिए या फिर BSc पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। वहीं पर सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के लिए 3 साल का डिप्लोमा पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 18 से 42 साल है, OBC के लिए 18 से 45 साल और SC ST के लिए 18 से 47 साल है। अगर एज ऑफ प्रूफ की बात करें तो एज के प्रूफ के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट का सर्टिफिकेट देना होगा जिसपे डेट ऑफ बर्थ छपी हो। अगर एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो इसमें कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 23 अप्रैल 2020 है, आप इससे पहले फॉर्म को जरूर फिल कर दें। और डिटेल में जानने के लिए मैंने इस पोस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाकर इस PDF को डाउनलोड करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।